देश में पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस मीटिंग में दुनिया भर की तेल कंपनियों के सीईओ और एक्सपर्ट्स हुए शामिल। बैठक में प्रधानमंत्री ने पिछले 7 साल में तेल और गैस क्षेत्रों में सुधार पर चर्चा की। इसमें लाइसेंस नीति, गैस मार्केटिंग, कोल बेड मिथेन पर नीतियां, कोयला गैसीकरण और भारतीय गैस एक्सचेंज के हालिया सुधार पर बातचीत हुई। ये बैठक 2016 में शुरू की गई थी, जो हर साल होती है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कुलगाम में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में लश्कर ए तैयबा के कमांडर गुलजार अहमद रैशी समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने कहा, दोनों आतंकी बिहार के 2 लोगों की हत्या में शामिल थे। मजदूरों की 17 अक्टूबर को वानपोह में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। भारत ने पूर्वी लद्दाख और उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगने वाली सीमा पर मोर्चेबंदी की शुरू। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के नजदीक 40 किलोमीटर की दूरी तक मार्क करने वाली अल्ट्रा लाइट M777 हाइविट्जर तोपों को तैनात किया। ये तैनाती स्वीडन के बोफोर्स तोपों के अतिरिक्त अत्याधुनिक L70 विमान भेदी तोपों के अलावा की गई। रूस ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज। मुंबई के स्पेशल NTPC कोर्ट ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से किया इनकार। ये मामला गुरुवार को ओपन होगा, लेकिन उनके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत पाना आसान नहीं, क्योंकि अदालत में 1 नवंबर से दिवाली की छुट्टियां, उसके बाद सिर्फ 7 वर्किंग डेज, कोर्ट 14 नवंबर के बाद खुलेंगे दोबारा। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा। देश में एक्टिव केस की संख्या कमी, नए केस में 10 से 20 हजार के आसपास आ रहे। देश में बीते 24 घंटे में 18,359 लोगों की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव, 17,560 मरीज रिकवर, 160 लोगों ने गवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 24 करोड़ 28 लाख, महामारी से अब तक 48 लाख से ज्यादा की मौत, 6 अरब 72 करोड़ लोग वैक्सीनेट। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा किए आंकड़े। पूर्वी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करेंगे लॉन्च। ट्रुथ सोशल नाम का ये प्लेटफॉर्म अगले साल की शुरुआत में आएगा। इसका बीटा वर्जन चुनिंदा गेस्ट्स के लिए नवंबर में होगा उपलब्ध। इस साल 6 जनवरी को ट्रंप समर्थकों की तरफ से अमेरिकी संसद में किए गए कैपिटल रॉयट के बाद ट्रंप को फेसबुक और ट्विटर ने किया बैन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया। लगभग पूरी तरह से मानसून जाने के बावजूद दिल्ली, उत्तराखंड और केरल में बीते दिनों भीषण बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार अभी दिल्ली, उत्तराखंड और केरल में बारिश होना बाकी। IMD की माने तो उत्तराखंड में अभी अगले 3 दिन भारी बारिश के अनुमान। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में कमी देखने को मिलेगी। सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में की बढ़ोतरी। दिल्ली में फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 35-35 प्रति लीटर पैसों की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 106.54 रुपये और डीजल के दाम 95.27 रुपये प्रति लीटर पर पहुंचे। एशियाई बाजारों में तेजी के बीच आज 21 अक्टूबर को घरेलू मार्केट में कारोबार की बढ़त के साथ शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी। सेंसेक्स 61,500 और निफ्टी 18,300 के पार पहुंचा। आज बैंकिंग शेयरों में खरीदारी का रुझान दिख रहा। IRCTC ने भी तेजी पकड़ी।